फ्रेंड्स, अभी मैं हवा महल में हूँ और ये जयपुर का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। मैंने एंट्री टिकट ले ली है। टिकट की रेट 52 रुपीस पर हेड है। अभी मैं हवा महल के अंदर एंटर कर चुका हूं और यहां पर काफी दूर दूर से टूरिस्ट आए हैं। जयपुर में स्थित हवा महल शहर का एक प्रतिष्ठित स्थल है। हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण है। यह महल अपने विस्तृत और अलंकृत मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है, जो 5 मंजिला संरचना है। महल के पहले मंजिल में प्रताप मंदिर है। मंदिर भी महल के पहले मंजिल में आपको मिलेगा। हवा महल का प्राथमिक उद्देश्य शाही महिलाओं को बिना देखे नीचे की सड़क पर रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने की अनुमति देना था, क्योंकि उन्हें सख्त पर्दा प्रणाली का पालन करना पड़ता था। हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें जरोका कहा जाता है। इन खिड़कियों को हवा को गुजरने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। ये महल का दूसरा मंजिल है, जिसे रतन मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर काफी सारे कलरफुल ग्लास के काम किए गए हैं। इस महल के दूसरे मंजिल में बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी है। हवा महल लाल और गुलाबी बालवा पत्थर से बनाया गया है, जो जयपुर की स्थापत्य विरासत की खासियत है। ये महल का 5वां मंजिल है और यहाँ से आपको पूरे जयपुर शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। महल में एक वॉच टावर भी है। यह जयपुर में सबसे अधिक देखे जाने वाले टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए विजिटर्स को आकर्षित करता है।
महल में एक छोटा म्यूजियम है जिसमें शाही काल की विभिन्न कलाकृतियां और मूर्तियां हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।